नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन बुनाई और कताई के बारे में प्रयोग के द्वारा विस्तृत रूप से समझेंगे। प्रयोग करके हमारे भैया जी हैं उपमा राम जी, जो जिसके घर पर कताई व बुनाई की जाती है, तो ये कताई और बुनाई के एक्सपर्ट है, इसीलिए अपन इसे थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे, यानी ये किस प्रकार से कताई कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपन चरखे के द्वारा कताई के बारे में समझेंगे, यानी चरखे से कताई किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए चरखे से किस प्रकार कताई की जा रही है। हाँ भाई साहब बताइए। ये है चरखा। हाँ, इसके द्वारा सबसे पहले ये हमारे हाथ में रुई है, और रुई के द्वारा कैसे धागा तैयार होता है उसके बारे में इसके द्वारा यानी चरखे के द्वारा काट करके अपन समझेंगे। तो ये हमारे पास रुई है जिससे धागा कैसे बनते हैं अपन समझेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, ये जो रुई का गोलक है ये हाथ में ले लिया है, और अब धीरे धीरे चरखे को घुमाते हैं, और जैसे जैसे चरखा घूमता जाता है वैसे वैसे ये धागा है वो बनता जाता है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है धागा बड़ा बना है, क्योंकि हमारे पास अगर ऊन नहीं है, अगर ऊन होती तो ये पतला धागा बन जाता है ना वैसा। हाँ। सही है ना, इसमें थोड़ा ये हाँ, तो इसमें ये थोड़ा जो धागा बनाने में कठिनाई आती है, तो ऊन से अच्छी तरह से धागे बनाया जाता है। या ऐसा धागा बनने के बाद में फिर इनको चरखे के द्वारा घुमा करके एक गट्टा बना देते हैं। हाँ, गट्टा बना, और गट्टा बनाने के बाद में उस गट्टे को अपन ताना बनाने के रूप में काम में लेते हैं। हाँ। अपन समझेंगे कि किस प्रकार ताना मशीन के द्वारा ताना तैयार किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ताना किस प्रकार बनाया जाता है। ताना क्या होता है, यानी तागों के सेट को व्यवस्थित करना। तागे के सेट एक लंबाई के रूप में लिया जाता है, एक निश्चित लंबाई लेते हैं और उसका सेट बनाया जाता है, इसलिए इस मशीन का उपयोग करते हैं। हाँ उपमा राम जी बताइए किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ताना कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए ये मशीन है। इसमें अभी तो उदाहरण के लिए दो ही गट्टे लगाए हैं, लेकिन इसमें 40 गट्टे लगाए जाते हैं। फिर 40 गट्टों को 40 गट्टों के धागों को इसमें पिरो करके फिर ये ताना मशीन है वो उस ताने को क्या करती है, तैयार करती है। जैसे ये उदाहरण के लिए चला कर बताते हैं। हाँ भाई साहब आप बता के चला करो के बताओ किस प्रकार तैयार करते हैं, हम आपको नजदीक लेकर के बता रहे हैं। देखिए ये धागा है, ये धागा इसके अंदर से जा रहा है और इसके चारों ओर ये लिपट रहा है। अब ये एक साइड हो गया और इसको काट करके फिर वापस क्या कर देते हैं, आगे जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये ताना है, यानी पूरा ये धागों से भर जाने के बाद में एक ताना है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, धागा बनाने के पश्चात धागे की रंगाई की जाती है, यानी रंगते हैं, है ना भाई साहब। हाँ, रंगाई। हाँ। यानी अलग अलग कलर में जैसे पीला, हरा, हल्का खाकी, आसमानी। हाँ। इस प्रकार का रंगाई होने के बाद में ये अलग अलग कलर में धागा है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब उस धागे को यानी मशीन के लिए ताना तैयार करने से पहले उसको किस प्रकार से गट्टा भर करके तैयार किया जाता है। ये देखो एक गट्टी तैयार कर ली जाती है वापस इस पर चढ़ा करके। देखिए यानी ये देखिए, हाँ पूरा मैं पीछे लेकर के बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ घुमाइए चरखे के द्वारा इस प्रकार का गट्टा। हाँ भर देते हैं। हाँ भाई साहब थोड़ा बड़ा गट्टा भर करके बताओ आप किस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी है वो गट्टी बना ली जाती है। क्या बना ली जाती है, गट्टी बना ली जाती है। ये जो गट्टी है इस प्रकार से देखो चरखा घूम रहा है, ये गट्टी इस प्रकार से बन रही है, और इधर ये इस पर तागे को सेट कर रखा है, और धीरे धीरे हाँ भाई साहब घुमा करके वापस बताओ। देखिए घुमा रहे हैं उधर से चरखा, तो वो गट्टी है उस पर घिरनी पर घूम रही है, तो इधर ये उधड़ रहा है धागा और धीरे धीरे उस पर लिपट रहा है, तो इस प्रकार से ये गट्टी तैयार कर ली जाती है। अपन विद्यार्थियों देखने जा रहे हैं कि वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, यानी बुनाई कैसे की जाती है, बुनाई कैसे की जाती है। हाँ, अब अपन समझेंगे कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। हाँ। ताना मशीन पे ताना तैयार कर दिया, और ताना तैयार करने के बाद में इसमें से प्रत्येक धागे को पिरोया जाता है, और पिरोने के बाद में फिर ये ताना है वो तैयार हो जाता है। अब इसके नीचे भी
कितने चार ब्रेक है, चार ब्रेक जो पैरों के द्वारा दबाए जाते हैं। हाँ ठीक है। और उसके द्वारा दबाने के बाद में फिर है ना, ये इसमें दो धागों के बीच में जगह रह जाती है और उस जगह के बीच से ये नाव के आकार की नाल है वो अपन इधर उधर फेंकेंगे। अभी किस प्रकार से होता है अपने इसके बारे में समझेंगे। हाँ भाई साहब, विस्तार रूप से आप बताइए कैसे होते हैं। अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि हथकरघा किसे कहते हैं, यानी जो हाथ द्वारा कपड़ा बुनने की मशीन होती है उसे हथकरघा कहते हैं। ठीक है। जैसे ये एक हथकरघा है। ठीक है। इसमें सारा काम हाथ से ही किया जाता है। इसमें एक प्रकार तो ये है कि इसमें नाल, ये नाव के आकार की है वो हाथ से ही फेंकते हैं। और दूसरा प्रकार अपन समझेंगे जिसमें ये ऑटोमेटिक हाथ के इशारे से वो नाल है वो ऑटोमेटिक चलती है। अब इसमें समझें कि एक ये मोबाइल कवर के लिए कपड़ा तैयार हो रहा है। ठीक है भाई साहब। उसमें अपन समझेंगे कि डिजाइन कैसे तैयार की जाती है। जैसे कि बीच वाले दो ब्रेक दबा दिए। हाँ। और फिर हाथ के द्वारा इस डिजाइन को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई साहब। ब्रेक जैसे ये देखो, हाँ वापस ऊपर करना भाई साहब ब्रेक। ठीक है, ये देखिए ये चार ब्रेक है, एक दो तीन और चार। कितने ब्रेक हैं वापस देखिए, एक दो तीन चार, कितने ब्रेक हैं, चार ब्रेक है। अब ये चार ब्रेक की सहायता से क्या करेंगे, धागों को ऊपर नीचे करके इसके अंदर धागों को इस प्रकार से सेट को व्यवस्थित करेंगे आपस में और वस्त्र बनाए जाएंगे। क्योंकि अपन पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि धागों के दो सेट से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो धागों का एक तो सेट ये देख रहे हैं बना हुआ है और एक सेट ये इस प्रकार से अंदर से ले जा रहे हैं, यानी इसके अंदर से टेढ़े एक नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस प्रकार से निकाल लेते हैं, है ना भाई साहब। अपन समझेंगे कि ये जो डिजाइन बन रही है, ये डिजाइन बनाने के बाद देखेंगे कि देखो ये ताने के लिए फिर उसमें पेटे के लिए कैसे तैयार करते हैं। हाँ। तो समझे इसमें डिजाइन, ये थोड़ी कम्प्लीट मेरी बात में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आराम से देखिए सभी भैया किस प्रकार, भैया बहन देखिए किस प्रकार से ये बनाते हैं। देखो ये डिजाइन निकाल दी। अब समझेंगे कि ये जो ब्रेक है वो दबाएंगे। हाँ। अब इसमें देखो, ठीक है, दो ब्रेक नीचे दबा दिए गए हैं। देखो ये नीचे हैं और ये भी नीचे हैं और ये दोनों ऊपर है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा मोबाइल को हाँ घुमाइए। अब इसमें देखेंगे कि देखो ये बीच में एक जगह रह गई है। अब इसके बीच में यानी आधे धागे नीचे चले गए। ठीक है, आधा धागा है वो ये देखिए दूर से आसन दिखाई दे रही है, यानी बीच में जगह हो गई, आधे धागे नीचे चले गए और आधे धागे ऊपर रह गए। ये वैसे अब ब्रेक दबाने से होता है ना। हाँ ठीक है, बीच में से ये नाल आ गई और फिर इसको अपन ऐसे करते हैं और फिर ये वापस ब्रेक चेंज कर देते हैं और वापस नाल निकाल ली। देखो इस प्रकार ये कपड़ा है वो तैयार होता। ठीक है, ठीक है। ये भाई साहब इसे क्या बोलते हैं, पास में लाने से क्या होता है, ये पास में लाने के बाद में ये जो ताने अच्छा वाला और पेटे वाला धागा है वो दोनों आपस में चिपक जाता है। अच्छा, यानी सेट व्यवस्थित हो जाते हैं और वस्त्र तैयार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये कपड़ा है वो तैयार हो जाता है। ठीक है भाई साहब, इतना ही है और इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी है तो बताइए आप, इतना ही है। अपन इसके बाद में समझेंगे, एक ये हाथ से चलाने वाली मशीन है। ठीक है, दूसरा प्रकार समझेंगे जिसमें ये नाल है वो ऑटोमेटिक हाथ के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है भाई साहब, ये जो वस्त्र बन जाता है उसके पश्चात इसे समेटा किस प्रकार जाता है ये भी थोड़ा आप बता दो। जैसे जितना अगर मान लो यहाँ तक बुनाई हो गया। हाँ। फिर उसके बाद में इनको खोल करके फिर इसके द्वारा अपन ये जैसे इतना हो गया। हाँ। फिर इनको जैसे जैसे बुनते जाते हैं और वैसे वैसे इनको समेटते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कपड़ा था ये इसके ऊपर समेट लिया गया है ना। हाँ, फिर इसे भाई साहब ये जो पूर्ण हो जाता है तो क्या किया जाता है आगे, किस प्रकार से कट किया जाता है और काट करके अलग करते हैं। हाँ मोबाइल कवर है। हाँ ठीक है, मोबाइल कवर के लिए एक पीस है, एक लग है ये। ठीक है, फिर इसको दो 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 लड़ में बना करके। हाँ। और फिर इनके चारों तरफ चेन लगा दी। अच्छा, इसे फोल्ड करके चारों तरफ चेन लगाते हैं। ठीक है, मोबाइल कवर बन जाता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत।
ये हथकरघा मशीन है और इसमें सूती कॉटन कपड़ा तैयार किया जाता है। ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए कपड़ा इस मशीन पे तैयार होता है। ये इसमें जो नाव के आकार की नाल होती है वो ऑटोमेटिक झटके के द्वारा चलती है। हाँ, थोड़ा आप पास में ले जा करके बताइए भाई साहब कैसे होता है ये। हाँ, ये इस प्रकार से कपड़ा बुना जाता है। ये हाथों से कपड़े बुनने की मशीन है और ये दूसरा प्रकार जिसमें जेंट्स कपड़ा तैयार होता है। विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से वस्त्र तैयार कर लिए जाते हैं। ये वस्त्र है, जैसे ये वस्त्र भाई साहब बैग का है ना, ये वस्त्र बैग का है यानी इससे बैग बनाया जाएगा। और ये अच्छा, ये मोबाइल कवर है यानी मोबाइल कवर इससे बनाया जाता है। और ये क्या भाई साहब, पिलो कवर यानी ये किसी पर बिछाने के लिए काम आता है, कुर्सी पर है ना। तो इस प्रकार से ये देखो वस्त्र तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन नीचे एक घंटी आती है सब्सक्राइब करने के पास में, तो वो भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।